जो गरीबों तक जो हमारा कार्य है, जो जो अंतिम लेवल तक लोग हैं उन तक जो बेसिक नीड्स है, सारे चीज़ों को जो प्रधानमंत्री ने सोच सोच कर जिस तरह से पिछले 9 वर्षों में जो कार्य किया है, सारे लोग बीजेपी के साथ हैं। ऑपोजिशन है तो उनका काम ही है सोचना, सपना देखना। नीतीश जी का तो आप लोग बाकी भी न्यूज़ सुन ही रहे होंगे, अभी वो काफ़ी कुछ बोल रहे हैं। अब क्या क्या बोल रहे हैं शायद उनको याद भी नहीं रहता, हो सकता है ये बात भी कल याद ना रहे उन्हें। और जो जनधन अकाउंट है, LPG है, जो टॉयलेट बनाना है, मतलब एक एक चीज़ प्रधानमंत्री जी ने जो भी इंटीग्रेटेड अप्रोच के हिसाब से जो कार्य किया है वो सारे सब सारा कुछ सभी लोग देख रहा है और मोदी जी को सब लोग अपने दिल में रखता है। ये हमेशा बिहार को पिछड़ा रखना चाहते हैं और इलेक्शन के समय ये कुछ स्टंट करते हैं, और वो हुआ है पर उसका तरीका गलत था मेरे ख्याल से। वो एक सर्वे हुआ जो कि बहुत एक्यूरेट नहीं था, उसमें किसी को ऊपर किसी को नीचे, वो सब मैनिपुलेशन हुआ है। 5 राज्यों में चुनाव और चुनाव के बाद से परिणाम आने हैं। इस वक्त हमारे साथ मनीष सिन्हा जी NRI सेल के संयोजक हैं। बताइए क्या सोच रहे हैं कि जो 5 राज्य में जीत हो रही है या फिर जो आप कह रहे हैं विपक्ष के लोग कि भाई इनका सुपड़ा साफ हो जाना है, आप क्या अनुभव कर रहे हैं, क्या इनपुट आ रहा है? नमस्कार। 5 राज्य में जो हमारी अनुमान है उसके हिसाब से हम लोग वापस आ रहे हैं और हम लोग सरकार बनाएंगे पूर्ण बहुमत से। वहाँ से रिस्पॉन्स आने शुरू हो गए जी? देखिए, ज़मीन से तो खबर आने ही लगती है और पता तो चल ही जाता है। और जो प्रधानमंत्री का जो कार्य है हमारा, जिससे जो गरीबों तक जो हमारा कार्य है, जो अंतिम लेवल तक लोग हैं उन तक जो बेसिक नीड्स है, सारे चीज़ों को जो प्रधानमंत्री ने सोच सोच कर जिस तरह से पिछले 9 वर्षों में जो कार्य किया है, सारे लोग बीजेपी के साथ हैं। उम्मीद भी देख रहे हैं इंडिया गठबंधन वाले कि भाई इनको तो इस बार 5 राज्यों से हटाना है, फिर देश से भी भगाना है, अलायंस भी बना लिया। तो ऑपोजिशन है तो उनका काम ही है सोचना, सपना देखना, लेकिन ऐसा कुछ होने वाला है नहीं। 5 राज्यों में भी हम जीतेंगे और अगले इलेक्शन में मोदी जी पिछले बार से ज़्यादा बहुमत लेके सरकार बनाएंगे। आज ही नीतीश कुमार कह रहे थे मनीष जी कि भाई 2024 का उन्होंने एजेंडा सेट किया है, ऐसे ही नहीं बोला है कि भाई हम विशेष राज्य का दर्जा मांगेंगे। अगर मनीष सिन्हा के घर के बाहर बच्चा पहुंचेगा और कहेगा कि विशेष राज्य का दर्जा दिलाओ, तो ये उनकी तैयारी है, इसको कैसे रोक पाएंगे? नीतीश जी का तो आप लोग बाकी भी न्यूज़ सुन ही रहे होंगे, अभी वो काफ़ी कुछ बोल रहे हैं। अब क्या क्या बोल रहे हैं शायद उनको याद भी नहीं रहता, हो सकता है ये बात भी कल याद ना रहे उन्हें। जिनको लाया गया था वो सोच के गए थे कि उनको वहाँ प्रधानमंत्री बनाया जाएगा, अब उनसे उनको साइड कर दिया गया, तो उनके बातों को बहुत सीरियसली अभी नहीं लिया जा सकता है। जो प्रधानमंत्री का जो कार्य है हर एक क्षेत्र में, हेल्थ हो, एडुकेशन हो, स्पेस में जो हम लोग चांद पर पहली बार पहुँचे हैं, मतलब किसी भी क्षेत्र में आप ले लीजिए, जो भारत का जो एक मान सम्मान बढ़ा है, हम लोग तीसरे सबसे बड़े इकॉनमी होने वाले हैं अगले 2-3 साल में, और जो जनधन अकाउंट है, LPG है, जो टॉयलेट बनाना है, मतलब एक एक चीज़ प्रधानमंत्री जी ने जो भी इंटीग्रेटेड अप्रोच के हिसाब से जो कार्य किया है वो सारे सब सारा कुछ सभी लोग देख रहा है और मोदी जी को सब लोग अपने दिल में रखता है। मतलब विशेष राज का जो ये बात आती है, आखिर चुनाव आता है फिर इन तरीके की बात आखिर आती कहाँ से है, क्या सोच रहे थे ये मन में? ये हमेशा बिहार को पिछड़ा रखना चाहते हैं और इलेक्शन के समय ये कुछ स्टंट करते हैं। आखिर बिहार इनके 20 साल के CM रहे हैं, अभी तक बिहार पिछड़ा है ही क्यों? पहला क्वेश्चन तो ये पूछना चाहिए। 20 साल कोई कम नहीं होता है, 20 साल के अंदर तो लोग, अभी तक हम लोग विकसित राज्य हो जाते हैं, अभी भी हम पिछड़े राज्य क्यों हैं? खाली आप लोगों को बांटिएगा, जो कॉलोनियल माइंडसेट है उसको ये लोग प्रोपोगेट कर रहे हैं। और आगे कॉलोनियल में क्या था, वो आपको खाली बांटते थे और आपका आत्मविश्वास कम करते थे, आप अपने आप को कम नज़र से देखिए, वही ये लोग करते हैं। तो बिहारी जो है वो इनकी बातों में आएगा, आत्मविश्वास बिहारियों का बढ़ा है, जो BJP सरकार आई है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है, तो इनकी बातों में आएंगे या फिर 24 में फिर से 40 की 40 सीट जो है वो मोदी जी की झोली में? देखिए, बिहार के लोग बहुत ही समझदार है, तो मोदी जी के कार्य को वो लोग देख रहे हैं क्योंकि वो उन तक पहुँच रहा है, तो उनका आत्मविश्वास उससे तो बढ़ता है जब वो देखते हैं कि हमारा स्टेचर जो है वर्ल्ड दुनिया में बढ़ रहा है। बिहारी ऐसा राज्य है जो सिर्फ राज्य में नहीं, वो विश्व के पॉलिटिक्स को ही फॉलो करते हैं। छोटे गांव के लोग, कस्बे के लोग, आप देखिएगा
सब कुछ वो लोग फॉलो करते हैं। तो मोदी जी को तो इस बार जीतना ही है बिहार से, और पिछले बार जैसा ही हमारा रिजल्ट होगा, इसमें कोई दो मत नहीं है, हमारे फुल कॉन्फिडेंस है। मतलब ये जो बात है उनकी कि भाई विशेष राज्य का दर्जा दो, इससे पहले उन्होंने लागू किया जातिगत जनगणना की रिपोर्ट, आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट, ये तमाम जो चीज़ें हैं ये नहीं आएगी बीजेपी के आड़े की भाई इसको कैसे तोड़ेंगे। जातिगणना जनगणना तो बीजेपी ने ही इसका समर्थन दिया था और वो हुआ है, पर उसका तरीका गलत था मेरे ख्याल से। वो एक सर्वे हुआ जो कि बहुत एक्यूरेट नहीं था, उसमें किसी को ऊपर किसी को नीचे, वो सब मैनिपुलेशन हुआ है। तो वो इशू वो नहीं है, इशू ये है कि बिहार को आगे बढ़ाया कैसे जाए, वो इनके पास विजन नहीं है, वो इनके पास कोई थॉट प्रोसेस नहीं है। बिहार अभी बाकी दुनिया से डिसकनेक्टेड है, जो डेवलपमेंट बाकी दुनिया में ना उससे डिसकनेक्टेड है, और बिहार बहुत पीछे है। यहाँ के युवाओं का अगर आप पर कैपिटा इनकम देखिए तो बिहार का पर कैपिटा इनकम नेशन से 1/3 है। अगर देश के लोग 15,000 कमा रहे हैं पर मंथ, तो बिहार के युवा 5,000 कमा रहे हैं। तो मतलब आप समझ सकते हैं कितना डिस्पैरिटी है, दुनिया से तो मत, दूसरे राज्यों से मैं बस बात कर रहा हूँ। तो मतलब ये नहीं चलने वाला, चाहे चाचा भतीजा हो या फिर उनके पिता लालू यादव हो, भरोसा किसी पर नहीं है। देखिए वो पार्टी तो सिर्फ अपने लिए है, वो अपने परिवार को जितना धन इकट्ठा किया इलीगली और उसको आगे कैसे रखना, तो परिवार फोकस पार्टी है। ये बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो नेशनलिस्ट पार्टी, जो आपके बारे में सोचते हैं, देश के बारे में सबसे पहले सोचती है, देश के लोग, देश का सम्मान कैसे बढ़े, देश के लोग आत्मनिर्भर कैसे हों। तो हम लोग जो हैं वो देश के लिए काम करते हैं। ठीक, हमारे साथ मनीष सिन्हा जी थे, जिनको आपने सुना किस तरीके से बेबापी से कहा है कि 2024 हो या फिर 25 ही क्यों ना हो, इस बार भी और हर बार जो है केंद्र में प्रधानमंत्री मोदी होंगे और बीजेपी की सरकार भी बिहार में इस बार बनने जा रही है। आप क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर रखें।